नमस्कार, जागृत जमुनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। तो उल्ट सिटी के जितने भी प्रधान हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो कल जम्मू बंद को लेकर, जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है उसको लेकर यहाँ पर जो प्रधान मौजूद है वो कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जम्मू वासियों से एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से चैम्बर ने कल जम्मू बंद की कॉल दी हुई है उसका सभी पूर्ण जोर तरीके से समर्थन करें और जम्मू जो बंद की कॉल है उसको कामयाब बनाए। उसी सिलसिले में आज ओल्ड सिटी पुरानी मंडी हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ हनुमान के मंदिर के सामने सभी बिहार के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, वो सारे इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि कल का जो प्रोटेस्ट है, जो जम्मू बंद है, उसमें हम सारे समर्थन करते हैं। जिसमें हमारे साथ राजतिलक रोड, लिंक रोड, हनुमान मंदिर गली या जितने भी पहाड़ियां मल्ला हो गया, किनोड़े गली होगी, लिंक रोड हो गया, सेंट्रल बेसिक स्कूल हो गया, ये सभी इकट्ठे होकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी सरकार की आज नीतियां हैं, जो टोल प्लाजा के लिए इन्होंने हमारे भाइयों को अरेस्ट किया है, उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए और टोल प्लाजा को जल्द से जल्द उठाया जाए। आपको पता, कोई भी प्रोटेस्ट जो जम्मू कश्मीर में शुरू होता है उसका आगाज जो है ना वो पुरानी मंडी से ही शुरू होता है। हम एडमिनिस्ट्रेटर से अपील करते हैं कि इसको पीसफुली रखें, इसको इतना बढ़ावा नहीं दो कि कल को यह छोटी सी जो चिंगारी है एक बड़ी ज्वाला का रूप ले। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेवार होगा। यही बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। ये हमारे साथ सीनियर हैं, अब ये अपनी बात रखें। गल है कि असें कल एक प्रोग्राम बनाया हा, कुछ पांच छे बजारे प्रेजिडेंट मी कॉल आई है, कोई ग्यारह बजे कहते हैं कि महाराज प्रधान जी कुछ पुजो, चेयरमैन साहब उत्थों पुजो। चलो तो मी जाने टाइम मिले, बाद जिस मिलेगा अस एक कर रहे हैं कि सारिया पार्टियां सही है जी, कोई पार्टी जम्मू की इतनी गल करने से कोई नहीं है। मैं अफसोस कन्नै एक गल आखना, 85 साल की मेरी मां नवी बस्त छाती पिड़ती पिड़ती आई, सारे लोगों शर्म कन्नै मरी जाना चाहिए। क्या जिन्हें साढ़े लीडर हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या शिवसेना, क्या जिड़िया पार्टियां मरी जाने चाहता, और इन्हें अपना हक लैने छातियां पिटनिया पौन तो फिर साढ़े जीना कोई फायदा नहीं। वो प्रधान ने जल्द मीटिंग की कि कोई पार्टी अगर नहीं आई तो अस चार बाजार बंद कर, पांच बजे एक पुरानी मंडी, एक सेंट्रल रसल स्कूल, एक लिंक रोड, एक पहाड़िया महला, एक राज रोड, एक हनुमान लो पुरानी मंडी, असें पांच छह बंदे मीटिंग की। अस ये बारे कल नारा देई ओड़िया कि अगर पांच बजे तक मेरे सूरबीर जो भाई मेरे बच्चे जड़े न वो बाहर नहीं आए तो कल अस जम्मू एक बाजार बंद हो। इन्ने बिच चैंबर ने पता लगी आ, चैंबर ने जल्द गल का पता लगा, चैंबर के कम से कॉल भाई मैं फोन आई गया, मैं फोन आई है कि तुम उठे आओ, अस बार साढ़े बारह सौ गाड़ी खड़े तो उतर चली गए। चैंबर अगर असें गल की कि महाराज अगर अस सही है व्यापारी पुत्र, ये जरा कम है व्यापारी का, साढ़ा बाहर टोल लाजा जाता तो टोल जो गड्डी नहीं लगना, टोल तो सू लगना अगे सा पाँह रुपये ना जाने साढ़े बारह का हूँ 500 ना करना कि टोल पर टोल, टोल पर टोल, टोल पर टोल हो गया, टोल पर टोल हो गया, जो टोल पर टोल चलो दूआ नंबर ये टोल जरा ना यह आए दिन दाज है। वकील मेरे भरा आखते हैं कि 60 किलोमीटर एरिया में टोल होना चाहिए, ये टोल जो बन टोल प्लाजा तो जरा छोड़ा अपना यह 35-40 किलोमीटर कि टोल दे हूँ नवा कानून होर ये 300 रुपया लैना तो गड्डी खिच देती मैं 300 महीने टैक्स लगी है साढ़े को कह रहा भाई। एल जी साहब ने आखते कि मैं वो कड़ा काम कराना कि लोग तू याद करिए, पर कड़ा काम करा तू याद करने वाला भाई, ये साढ़े पर कोई भाई जान आ कि साढ़े बच्चे जोड़े वो दस दबोजर हो सू के आखन सू पेरेंट्स के देिए सारे एल जी के देिए ये चीजा देिए ये चीजा लैनी नहीं असें जम्मू वाले चीजा लैनी है। एल जी साहब मेरी तो देखे हाथ जोड़ी प्रार्थना इन्ना जो साढ़े करो जम्मू डोगरा जम्मू इन्ना जुलम नहीं करो ये देश दूआ नंबर आई है समार्ट मीटर ये समार्ट मीटर मारो टार टार अज दपहरी से लगी अग थले बेचारे मिठाई नहीं बनाने थले बेचारे बटाना बनाने सर सड़ी जा रही है। समार्ट एक कुंडले बाल पाए
तारा बेची दी है समार्ट बना इन्हें कोई समार्ट नहीं होता समार्ट बनाने बड़ी थोड़ी चाहिए है पहले तुझे लोड पुटो इन्हें सारी तारा पाओ बिच अंडर लोड फिर समार्ट खंभे लाओ टोल देने से तैयार टोल देखो लगती नहीं है अपने सुरख बड़ी नहीं जनानी वाली टोल दिंदे आराम करने इतने अज गड्डी कढ़ाओ कल जरा ना टोल जरा ना अज गड्डी कढ़ाओ तो कल जरा गड्डिया देना सर इस कारण कल अस पांच सात जो बाजार हैं पलेटा ने चेयरमैन सारे कट्ठे सारे बाजार जिन्हें भी हैं पक्का जिन्हें बाजार पूरा चैंबर के समर्थन है और एक रेहड़ी भी नहीं लगू चार रेहड़ी भी नहीं लगन लगी तो क्या बिकेगी पूरा समर्थन है जिन्हें जो टोल प्लाजा नहीं बुकता स्मार्ट मीटर बारे में नहीं गल हुई इन्हें जो जम्मू का पिछड़ा वो तो जनानी साड़ी बहार आई है और सारे बच्चे पांच पांच दस दस साल पोते हैं पुत्र वो भी बहार जय हिंद जय भारत बहुत कुछ हम काफी देर से कहते आ रहे हैं लेकिन हमारी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक आराम से पहुंच नहीं रही है तो लास्ट में शायद यही लगा कि अब एक बंद की कॉल दे के ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी आवाज सुनाई जाए तो डिसाइड तो हमने ओल्ड सिटी वालों ने पहले ही कर लिया था लेकिन कल जब चैम्बर ने भी आवाज उठा दी है तो अब पूरे बाजार जितने भी हमारी यूनियन सब ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए एक बार हम बंद का रास्ता अपनाएं और अभी तक ज्यादातर तो हम पीसफुली ही चलते हैं और कल भी हम पूरी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और आगे एडमिनिस्ट्रेशन से एक तो अभी पहले भी हम रिक्वेस्टिंग वे में ही बोल रहे हैं और अब भी रिक्वेस्ट करेंगे जिन लोगों को इन्होंने अननेसेसरी अरेस्ट कर रखा है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करें और ये जो एक गलत तरीके का टोल है ना जो कि लीगली भी फिजिबल नहीं है और सड़क की हालात देखते हुए भी नहीं है उसको हटाएं और ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं स्मार्ट तो हमें नहीं बना पाए ये स्मार्ट मीटर्स जो हमारे जेब पे भारी पड़ रहे हैं इसके बारे में भी कुछ संज्ञान लें हम बार बार ये बात कहते आ रहे हैं लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और उम्मीद करते हैं कि कल ही हमारी बात सुनने की कोशिश करेंगे सर जिस तरह से एडीजी मुकेश सिंह जी ने ये कहा है कि अगर सोसाइटी मेंबर उनकी गारंटी रहती है युवा राजपूत लोगों की गारंटी रहती है तभी उनको रिहा किया जाएगा इसमें आपकी क्या सोच है किस चीज की गारंटी लेनी है ये वो बाहर आके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उन्होंने पहले कौन सा पीस तोड़ा है मैं वही तो कह रही हूँ उन्होंने तो पहले भी पीसफुल प्रोटेस्ट किया था तो फिर उन्होंने ये चीज क्यों बोली पीस की उनको पीस की डेफिनेशन पता ही नहीं है शायद पीसफुल क्या होता है जो कश्मीर में पत्थर मारते थे क्या वो पीसफुल था क्या ऐसी एग्जाम्पल आपको जम्मू में कहीं पे भी मिली मेरा ख्याल है जम्मू से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं पे नहीं हो सकता और आज तक जहां तक मैंने भी देखा सबने देखा मीडिया सबके पास है फोन सबके पास है किसने देखा उनको पीस को ब्रेक करते हुए क्या उन्होंने किसी की गाड़ी तोड़ दी क्या उन्होंने वहां पे किसी को पत्थर मार दिए नहीं फिर पीस की डेफिनेशन वही बता देना पीस क्या होता है क्या हम खड़े हैं कोई हमने पीस को कुछ किसी का नुकसान किया हमने हम यहाँ खड़े हैं ट्रैफिक अगर ब्लॉक हो रही है हम उसको भी साइड पे दे रहे हैं क्या हम कोई पीस को तोड़ रहे हैं वो गलत है जो हम कर रहे हैं बिल्कुल पीसफुली कर रहे हैं लेकिन पीसफुली नहीं सुना जा रहा अब ये रिक्वेस्ट है कि अब इसको सुन लें और इस चीज का संज्ञान लें लेकिन नहीं आज के लिए मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी ना जब हम स्कूल पढ़ते थे ना हमें पढ़ाया गया डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी वो क्या होता है कहते इट इज बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल बट आज के दिन में बोलेंगे दिस इज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद दूसरा बोला जाता है इट इज फॉर द पीपल वेयर इज इट ये हमारे लिए भी नहीं है ये भी शायद एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ही है और क्या बोलते हैं ऑफ द पीपल दिस इज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑनली हमारे लिए तो है ही कुछ नहीं हमें मिल क्या रहा है डेमोक्रेसी कहाँ है जब एक पीसफुली जो चल रहा है आप उसको भी बोल रहे हो कि इसने क्राइम कर दिया तो डेमोक्रेसी रह कहाँ गई इस समय डेमोक्रेसी नहीं है इस समय कुछ और ही चल रहा है उसकी डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता अभी जी सर आपका क्या कहना है देखिए मेरे यहाँ पे बड़े साथी खड़े हैं और इनके अंदर जो जोश है जम्मू की आवाज़ के लिए जो जोश पैदा किया इन्होंने हमारे प्रधान जी ने ऑलरेडी हमें यह हुक्म दे दिया है कि कल अपना बाजार क्या ओल्ड सिटी बंद रहेगी और ये हम साथ मिलके करवाएंगे हम इनके साथ हैं जो मेरे प्रधान जी ने मुझे कह दिया वो फाइनल है उसके अंदर कोई दो राय नहीं है और मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट को संभलना चाहिए गवर्नमेंट को होश में आना चाहिए कि ना कि ऐसा कोई हालात बने जिसमें जम्मू के अंदर कोई गड़बड़ हो और मेरे अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि हम लोग पीसफुली काम करते हैं इतने दिन का सब पीसफुली चल रहा था कोई उसमें उग्र प्रदर्शन नहीं था कि जिससे कोई नुकसान हुआ हो
कोई तोड़ फोड़ हुई हो, कहीं कोई आगजनी हुई हो, वो कुछ नहीं है। और जम्मू के लोग वो करना भी नहीं चाहते। जब हमारी जेन्युइन डिमांड है उसे तो फुलफिल कर दीजिएगा। वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे तभी इतने दिन तक उन्होंने अंदर रखा, और वैसे भी वो अनशन पे बैठे हैं। क्या ये देखकर किसी को भी शर्म नहीं आ रही? क्योंकि काफी ज्यादा मैंने देखा पार्टीज भी अभी तक सामने नहीं आ रही थी, अब एक का समर्थन देखकर सभी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जो लोग आज सोए हुए हैं कल उन्होंने ही मोहल्लों गलियों मतदारों में घूमना है। क्या उनको ये लगता नहीं है कि कल हमने वोट लेने? आज जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक को नुकसान है, पब्लिक का पैसा गलत जगह जा रहा है, तो उसके लिए तो आवाज उठाओ। कोई हम अपने घरों के लिए कुछ नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं मांग रहे। स्मार्ट तो हम बाद में बन जाएंगे, या आप जैसा भी बनाओगे हम बन जाएंगे, मगर जो मेन चीज है उस मुद्दे पर तो आओ। और मैं फिर कहूंगा कि कल का पीसफुली होगा, शांति पूर्व होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे को झगड़े फसाद होंगे। इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे समर्थन को लेकर? जिस तरह से जम्मू का बंद है, जम्मू की कॉल दी गई है बंद को लेकर, आपका क्या कहना है? पहली बात जो है, चलो उससे पीछे चलते हैं, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव हुआ, और इस वक्त जितनी भी दुकानदार एसोसिएशन है, हमारे ट्रेडर एसोसिएशन है, चैंबर ने जो कॉल दी है हम पूरा उसका समर्थन करते हैं। मैं लिंक्रो ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मेरे साथ पहाड़िया मल्ला एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, पुरानी मंडी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और रायतिलक रोड के प्रधान हैं, और ये हमारे पुरानी मंडी सेंट्रल मिशन स्कूल के प्रधान हैं। मतलब जितने भी बाजार यहाँ पे 25 बाजार हैं हमारे साथ, 25 बाजार जो ओल्ड सिटी में हैं, उन्होंने पूरा समर्थन चैम्बर को दिया है, क्योंकि डोगरों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। पहले तो हम सिटीजन हैं, यहाँ के जम्मू के निवासी हैं, पहले हम जम्मू के निवासी हैं, ये सबको याद रखना चाहिए। उसके बाद हम आगे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ अगर भेदभाव होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इन डोगरों ने हमेशा तिरंगा झंडा उठा के ही अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया को पता है। जब बम बम बोले का टाइम था तब भी तिरंगा झंडा जम्मू के लोगों ने उठाया था अमरनाथ की यात्रा के लिए, और आज फिर जम्मू का जो हक मारते हैं, ये जो टोल प्लाजा पे जो इस वक्त जो ना सड़क है, अगर सड़क नहीं है तो टोल नहीं है, ये हमारे साथ राजपूत सभा जो डोगरा लोग हैं वो इस वक्त अंदर हुए हैं। हम चाहते हैं उनको भी बाहर निकालना चाहिए इस वक्त। ऐसा नहीं है, डोगरे हमेशा पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के साथ चलते हैं, और तिरंगा झंडा उठा के चलते हैं। और इस बार जम्मू के लोगों के साथ बहुत जबरदस्त भेदभाव हुआ है। जैसे मीटर, अगर मीटर लगाने से पहले जम्मू के डोगरों को पूछते, कहते हैं जी हमने स्मार्ट सिटी बनानी है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पहले जम्मू के लोगों को उस जगह पे ले जाए जहां से स्मार्ट सिटी शुरू होती है। जम्मू के लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले, जम्मू के डोगरे हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे। पर एक बात है कि जम्मू के डोगरों के ऊपर अगर बात आएगी तो जम्मू का डोगरा बाहर निकलेगा। इस वक्त हमारी बहनें, माताएं, बच्चियां जो बाहर निकली हैं, एक बड़ी निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो यही चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होंगे, कल की जो कॉल है चैंबर ने जो दी है उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, और जम्मू पूरा बंद रहेगा। जिस तरह से हमारे राजपूत भाइयों को अंदर गिरफ्तार किया हुआ, बंद किया हुआ, आज पूरा हफ्ता होने को आया है। आज जितने भी पार्टीज है, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्या पार्टियों को चाहिए नहीं था कि पहले भी नहीं जाकर जेल के बाहर कठुआ जेल में जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था, तो उस वक्त जेल के बाहर जाके वहां समर्थन देते, वहां बैठते, उन बच्चों को उन भाइयों को बाहर निकलवाते? कैसा किसी ने सोचा? आज वो अनशन पे बैठे हुए। देखिए जी, डोगरा हमारी शान है, मिठड़ी है डोगरे की बोली, एक खंड मीठे लोग डोगरे, जम्मू के डोगरे हमेशा मीठे रहे। इनके ऊपर जिन्ने मर्जी जुल्म होए 1947 तो लिए अज तक हमेशा डोगरा जरा हमेशा जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के कन्ने रहा, 1947 को पहले भी रहा, अज भी महाराज की जड़ी छुट्टी हुई उस वाली डोगरे सारे कट्ठे हुई है। पर अज जरा डोगरे पर जड़ी बीता दी है, यानी अस नहीं आखते हैं कि क्यों हो रहा पोलीटिकल बंदे के करा, क्योंकि इसलिए सारे अस नॉन पोलीटिकल बंदे हाँ, अस पूरे दुकानदार हाँ, सारे दुकानदार इस वेले सारे कट्ठे हुई गए। जड़ी आवाज डोगरा ने जड़े अज भरा साढ़े अंदर किए दे,
उन्हें कोई जुल्म तो नहीं किया, एक साइड च बैठे थे, हक मंगा थे डोगर का कि टोल ता देना कि अगर साड़िया सड़क साफ होड़िया सड़क साफ नहीं तो अस टोल कुथों देचे। इस खातर जिन्हें भी इस वेले मिसाइल जेडे जम्मू वास्ते ने जिन्हें लोगों लड़ने हैं हो रही है पिछले, क्या किसी भी लीडर ने उनके घर वालों के पास जाके उनका हाल पूछा, किस हाल में उनके परिवार वाले? हम डोगरे तो साथ हैं ना, हम पूरा जम्मू कश्मीर का डोगरा जो है दुकानदार भाई पूरा साथ उन डोगरों के साथ, और इसीलिए कल जम्मू बंद की जो कॉल वो भी डोगरे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी तो डोगरे हैं और उन्होंने पूरी कॉल दी है। पूरे हम तो कहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर बंद होना चाहिए इस बात के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि अगर जम्मू को सेव करना है या साफ सुथरा रखना है कल ही हमारे भाइयों को बाहर निकाल दें। तो कोई ऐसा प्रोटेस्ट ना जम्मू के डोगरे चाहते हैं, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं हमारे, राखी है, जन्माष्टमी है, सबको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हमारे डोगरे भाई जो हैं अंदर हैं और हम डोगरे जो हैं बाहर बैठ के उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर बंद कर रहे हैं। जय हिंद। हम चाहते हैं कि जो युवा राजपूत सभा के जो लोग अरेस्ट किए गए वो नजायज हैं, उनको अरेस्ट किया हुआ है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो उनको शीघ्र से शीघ्र रिहा करना चाहिए और जो जम्मू जो माहौल इस समय खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा। बाकी हमारी जो चार मांगे हैं, एक तो सरोड टोल प्लाजा जो हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए, वो लीगली बिल्कुल गलत है, क्योंकि 60 किलोमीटर के एरिया में कभी दो जगह टोल नहीं लगता, ये 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है सरोड से टोल बंद प्लाजा में, दो टोल कभी नहीं लग सकते, और ज़्यादा टोल लगाने से क्या होता है, बिजनेस व्यापारी को जो है बिजनेसमैन जो भी हैं उनको नुकसान होता है, और उनके जितने भी लग हैं जो भी उनको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ती है उससे ये होता है कि कस्टमर को ही वो बेयर करना पड़ता है। और स्मार्ट मीटर की बात आप कर रहे हो, ये एक एक खंभे पर इन्होंने 10-10 स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, और ये स्मार्ट मीटर की ये हालत है कि तीन तीन चार चार कट्ठे ही जल जाते हैं, और जो हमारे गैजेट्स लगे हुए हैं, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, वो जब जल जाते हैं तो उनकी बिजली डिपार्टमेंट कोई भरपाई नहीं करता, और जब वो बिल देने जाते हैं तो एक बार एक महीने का बिल देते हैं 68,376 रुपये, जब वो वहाँ भरने जाते हैं तो दूसरे महीने में 196,376। अब हमें पता नहीं इनकी कौन सी कैलकुलेशन है, कौन सा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लाठी है। बाकी हमारे एलजी साहब जो मनोज सिन्हा जी हैं वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जम्मू के लोगों को ऐसे काम करके दिखा के जाऊँगा ताकि इनका बेड़ा गर्क बिल्कुल हमेशा के लिए कर दूंगा, इनकी जेबों में ना पैसा रहेगा और इनको भिखारी बना के छोड़ूंगा। ये यूपी से तो भिखारी बना के आया लोगों को, अभी वहां से हार के आया है, अगर ये वहाँ अच्छे काम करता, लोग इसके साथ होते, इसकी पब्लिक सपोर्ट होती, इसकी ये हालत नहीं होती। जो मोदी लहर में नहीं जीत सका वो कब जीतेगा? इसीलिए हमारा यही है कि जो चैंबर ने कॉल दी है कल के लिए, तमाम जम्मू के बाजार बंद रहेंगे, जम्मू सांबा कठुआ हीरानगर सभी लोग बंद करेंगे इस कॉल को, और चैंबर का पूरा समर्थन करेंगे, चैंबर को मजबूत करेंगे ताकि चैंबर हमारी आवाज ऊपर उठाए और हमारी जेन्युइन डिमांड जो है टोल से और बाजार स्मार्ट मीटर्स और जितनी भी हमारी जनरल डिमांड है उनको क्लियर है। थैंक यू मैडम। आपने सुना ओल्ड सिटी के जितने भी प्रधान हैं उन्होंने यही कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स का जो कहा गया है कि जम्मू बंद रहेगा, जम्मू बंद की कॉल है, उसका पूरा पूरा ये सब समर्थन जो है वो करते हैं, तो आपकी क्या राय है, आप कितना समर्थन करेंगे और हमारे युवा भाइयों को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए? बड़ा अफसोस के साथ कहा जाता है कि आज पूरे 5-6 दिन हो गया उनको अनशन पे बैठे हुए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कल अपना समर्थन जरूर दें। जुड़े रहे नेक्स्ट अपडेट से। नमस्कार।